कोविड वैक्सीनेशन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। भारत में वैक्सीनेशन की 200 करोड़ की डोज पार हो चुकी है। भारत में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि भारत जैसे विशाल देश में पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में दसियों साल लग सकते हैं, लेकिन भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी तेजी से चला और लगभग 1.5 साल के वक्त में 200 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। बड़ी उपलब्धि। इस दौरान भारत की उपलब्धि इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि भारत ने दुनिया भर को वैक्सीन्स भी उपलब्ध कराई हैं। कई देशों को भारत की ओर से जीवन रक्षक वैक्सीन्स दी गई और साथ ही साथ भारत के नागरिकों को 200 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीने में हासिल कर लिया है, जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वही भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर ना सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि हमने एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। तो बड़ी खबर, 200 करोड़ का आंकड़ा भारत ने वैक्सीनेशन में पार कर लिया है और ये 200 करोड़ का आंकड़ा बहुत मायने रखता है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी इस बड़े आंकड़े तक पहुंच सकता है। जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और उस वक्त 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, 45 साल से 60 साल तक के लोगों को लगाई जा रही थी और अब 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि भारत में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोविड वैक्सीन्स के मामले में भारत ने बेहद उल्लेखनीय काम किया है और भारत ने सिर्फ अपने देशवासियों को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ दुनिया के कई देशों को कोविड वैक्सीन्स उपलब्ध कराई हैं और ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी ये कामयाबी कही जा सकती है। सरकार की ओर से हर नागरिक को वैक्सीन लगाने की सुविधा मिल सके इसके लिए कदम उठाए गए और बेहद कारगर तरीके से ये कामयाबी मिली है। महज 18 महीने में 200 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन में पार करना भारत के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत के मुकाबले काफी कम आबादी वाले देश अपने नागरिकों को पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारत अब इस लक्ष्य के भी काफी करीब पहुंच चुका है। भारत में वैक्सीन को लेकर कई तरह के दुष्प्रचार भी किए गए, इसके बावजूद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ को पार करने में कामयाब रहा है। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन कहा जा सकता है और अब बूस्टर डोज को लेकर भी सरकार ने सभी वयस्कों के लिए बूस्टर डोज भी लगाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना महामारी के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र कारगर बचाव है, लिहाजा भारत सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की शुरुआत 1.5 साल पहले की गई थी। शुरुआत में जो वल्नरेबल सेक्शन था, यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा थी, उनको लगाई गई और धीरे धीरे वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध करा दी गई है और अब तो किशोरों को भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। कोरोना महामारी जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार थाम कर रख दी, लाखों लोगों की जान गई, इस मामले में भारत ने अपनी विशाल आबादी के बावजूद इच्छा शक्ति के दम पर 200 करोड़ का विशाल लक्ष्य पार करने में कामयाबी हासिल की है। अच्छी बात है कि अब वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवा सकता है। प्राइवेट सेंटर और सरकारी सेंटर हर जगह वैक्सीन उपलब्ध हैं। तो भारत के वैक्सीनेशन अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी, 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर एक बड़ा कवच होता है वैक्सीन और 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया जा चुका है। भारत की आबादी जो कि 135 करोड़ बताई जाती है अनुमानित,
संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, अगर भारत के वैक्सीन अभियान की बात करें तो ये ऐतिहासिक कामयाबी भारत ने महज 1.5 साल में हासिल कर ली है, भारत के लिए गौरव का पल इसे कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए गौरव का पल इसलिए है कि आप दुनिया के तमाम देशों को देखें, यहाँ तक कि विकसित देशों को भी देखें, तो उनके मुकाबले आपको ये लगेगा कि भारत ने कहीं ज्यादा तेजी से, कई गुना तेजी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। आप देखिए, जैसे ही देश में कोविड आया, उसके बाद जिन देशों ने वैक्सीन पर रिसर्च शुरू की उसमें भारत आगे था। भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई, उसके बाद जब तेजी से वैक्सीनेशन करना था, प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीनेशन के उत्पाद वैक्सीन के उत्पादन के लिए अलग अलग जगह यूनिट्स की लगाई, सरकार ने मदद की, तो आप जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार ने इसके लिए बाकायदा अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप बनाए। डॉक्टर बीके पॉल की अध्यक्षता में एक पूरा एम्पावर्ड ग्रुप था जो इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था उसको बनाया। और देखिए जिस तरह निश्चित तौर पर भारत की ओर से अलग अलग तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी देने की कोशिश की गई, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता से, और पीएचसी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर सीएचसी हो, जो भी सबसे पास में उपलब्ध हो सकता था वैक्सीनेशन सेंटर, भारत के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। और ये एक बड़ी वजह रही कि भारत में कोरोना से फेटेलिटीज जो कहीं ज्यादा हो सकती थी वो कम हुई, और भारत ने अब 200 करोड़ डोज का लक्ष्य पार कर लिया है। वैक्सीन के साथ अब दोनों डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। कोरोना महामारी की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है, और इस वैक्सीनेशन अभियान को 1.5 साल के अंदर इस मुकाम तक पहुंचाना भारत के मेडिकल इतिहास में कहा जा सकता है बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। कोरोना महामारी के दौर में जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, उस दौरान भारत की विशाल आबादी को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए बस एकमात्र तरीका था वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन का ये लक्ष्य 200 करोड़ का जो लक्ष्य हासिल किया गया है ये बहुत ही शानदार उपलब्धि कही जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक देश के लिए गर्व की बात है ये, 18 महीने में भारत इस उपलब्धि को हासिल कर पाया है। हालांकि शुरुआत में वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रम फैलाया गया था,